हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्त, आज पॉलिटी का मेरा 29वां दिन चल रहा है। तो 29वां दिन में मैं क्या मैनेजमेंट कर रहा हूँ और क्या मेडिटेशन कर रहा हूँ एक बार बता देता हूँ। उससे पहले दोस्त, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को ये मेरा सूचना मिल सके। तो दोस्त, आप देख सकते हैं कि ये 29वां दिन के हिसाब से जो ग्रोथ है वो बढ़िया है। मतलब आपका बुक में, मतलब FCR का चार्ट में जो है उससे 200 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी FCR भी थोड़ा सा घट गया मेरा, ठीक है। तो वो बढ़िया है ये बिज़नेस के लिए, क्योंकि ये जो बिज़नेस है हम लोगों का, ये FCR के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मेरा फिनिशर चल रहा है, तो फिनिशर का दाना थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। वो तो खाने के लिए दिक्कत होता है, तो वो मुंह में लेके फेंक देता है साइड में, तो इसलिए मैं फीडर को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, जाके उसका बड़ा वाला दाना को ठुकरा के खाने में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। और दोस्त, अभी जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, मैं रात के टाइम में मैं नीचे वाला जो नीचे साइड का जो पर्दा है, ठीक है, मेरा दो साइड का, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों तरफ का पर्दा है, तो मैं रात के टाइम में वो नीचे वाला जो पर्दा है उसको गिरा देता हूँ, क्योंकि जाके ठंड हवा आके फर में आके घुस के चीक्स में ठंड ना आए। तो फिर भी थोड़ा सा ठंड आ गया, ठीक है। अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मतलब कोई एंटीबायोटिक उसको पिलाने से पहले मैं 3 दिन, एक स्प्रे है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, वो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये B904 है, ठीक है। इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, ये एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, ठीक है। इसको मैं अभी कर रहा हूँ, इसका दाम है 256, मतलब हमको 250 रुपया ही मिला, ठीक है, वो लेस वेस दे के। तो अभी मैं वो वाला स्प्रे कर रहा हूँ, जाके मतलब अगर स्प्रे में ये काम चल जाए तो उससे बढ़िया होता है। मतलब अभी आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि अभी अगर एंटीबायोटिक में कुछ उसको पिलाऊंगा तो उससे जो उसका बॉडी है, ठीक है, थोड़ा सा घट सकता है, बॉडी थोड़ा सा हेमरेज हो सकता है। तो अभी जैसे कि 29वां दिन चल रहा है, मतलब हर 10 या 8 दिन बाद जो चिक्स अगर मतलब लिफ्टिंग होगा, तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा ही मेडिसिन कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आज स्प्रे किया, तो कल भी स्प्रे करेंगे। ये हर 1 लीटर पानी में आपका 5 ml करके हिसाब से मैं 10 लीटर, जैसे कि मेरा 1800 चिक्स है, ठीक है, तो 1800 चिक्स के मैं 8 लीटर पानी देता हूँ। तो 8 लीटर पानी में मतलब 40 ml करके ये जो मेडिसिन है ये दे के मैं दोपहर के टाइम में मैं स्प्रे करता हूँ। अभी ये 3 दिन करने से ये जो चिक चिक करके साउंड है ये थोड़ा सा घट जाएगा, और चिक्स के लिए भी मतलब बढ़िया होगा। कोई डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन वगैरह का चीज़ में जो बीमारी आता है, ठीक है, वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं एंटीबायोटिक अभी थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि अभी एंटीबायोटिक देने से उसका जो बॉडी है थोड़ा सा घट सकता है, और अभी पता है कि बॉडी अगर घट जाएगा तो तुरंत FCR जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अभी मोर्टालिटी भी नहीं है, बहुत सारे फार्म से ऐसा मतलब सुन ले के लिए आ रहा है कि अभी मतलब SITs के बारे में सुनने के लिए आ रहा है कि SITs में मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो सब गलती कर रहे हैं कि नीचे वाला जो पर्दा है वो मतलब दिन के टाइम में भी वो दे के रखता है, इसलिए फार्म के अंदर जो गैस बनता है उस गैस के बजाय से SITs का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो दोस्त, ऐसा ही मैं आज 29वां दिन में ऐसा ही मेडिटेशन और मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और फीडर को थोड़ा ऊपर कर दिया, जाके वो बड़ा वाला दाना को ना फेंक सके, ठीक है, वो फेंक देता है, तो इससे हम लोगों का FCR जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्त, मैं इसी के साथ ये समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाकर हर पोल्ट्री फार्मर भाई को इस मेरा सूचना मिल सके। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो मैं हर रोज़ देता रहता हूँ, ठीक है, जाकर आपको।